हेलो फ्रेंड्स, प्रिया जैमी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसी डिश बनाने वाली हूँ जो बच्चों को बहुत ही पसंद है और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी थी। तो आज बनाने वाले हैं हम वेजिटेरियन मोमोज। मोमोज बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगने वाली है वो है ग्रेटेड पत्ता गोभी, एक हरी मिर्च, हाफ टी स्पून लहसुन की कलियां, हाफ टी स्पून जिंजर, आधा कटा प्याज, आधा शिमला मिर्च, एक छोटी साइज गाजर कद्दूकस किया हुआ और क्रश ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हमें जो लगने वाली सामग्री है वो है 2 टोमेटो, हाफ टी स्पून जिंजर, हाफ टी स्पून गार्लिक, 2 से 3 खड़ी मिर्चें, इसकी डंडी निकालनी है हमें, बाद में इसे पकाना है, हाफ टी स्पून काली मिर्च। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल में मैदा लिया है, इसमें हाफ टी स्पून नमक जाएगा और 1 चम्मच तक खाने का तेल, ये अपना रेगुलर तेल है। अब इसका एक डो बना लेंगे हम और इसे मसल कर 15 मिनट तक सेट करने के लिए रख देंगे। चटनी बनाने के लिए हमने 1-2 टोमेटो कट कर लिए हैं और इसकी मिर्ची भी डाल दी है, इसकी डंडिया जो है वो भी निकाल दी है। इसे हमें अभी 10 मिनट तक पकाना है ताकि टोमेटो का छिलका निकल जाए। टोमेटो पक गए हैं हमारे, अभी इसका छिलका निकाल कर हम इसे एक मिक्सी के पॉट में निकाल लेते हैं। अब इसे पॉट में निकाल लिया है, इसकी हम एक पेस्ट बनाएंगे। गैस पे पैन रखा है, उसमें एक तेल भी डाला है, अब जाएगा हाफ टी स्पून जिंजर, हाफ टी स्पून लहसुन की कलियां और काली मिर्च और नमक, ये थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं और जाएगी प्यूरी, ये टोमेटो प्यूरी हमने बना ली थी। अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस और चटनी को उबाल आने दो और थोड़ा सा तेल छूटने तक पकाएंगे, बाद में इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने पैन में 1/2 चम्मच बड़ा वाला तेल डाला है, अब इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन की कलियां जाएगी और इसमें जाएगा काली मिर्च, अच्छे से बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आपको पसंद ना हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो। 1/2 कटा हुआ प्याज, 1/2 शिमला मिर्च और ग्रेटेड पत्ता गोभी, इसे हाई फ्लेम पे पकाओ ताकि सभी सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। गाजर भी डाल दिया है इसमें हमने, अभी ये पकने के बाद आखिर में हम नमक डाल रहे हैं टेस्ट के लिए, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हो। इसमें जाएगा अभी सोया सॉस, हमारे स्टफिंग बाउल में निकाल लेते हैं। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, अभी हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा डो सेट हो चुका है और हम नींबू के साइज के जितना डो लेंगे और इसका एक लोई बना लेंगे और छोटी सी पूरी की साइज के जितना हम इसे बेल लेते हैं। इसमें अब 1/2 चम्मच तक स्टफिंग लेंगे और अलग अलग शेप के इसके मोमोज बनाएंगे। आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में आप मोमोज बना सकते हो।
हमने अलग अलग चार साइज़ के या फिर चार शेप के अलग अलग मोमोज बनाए हैं। आपको जिस शेप में मोमोज बनाना है आप उस शेप में बना सकते हो। अभी मैंने कुकर पे पानी चढ़ाया है, और आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर का यूज़ कर सकते हो। मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में आप 1.5 कप पानी ले, उस पर ये मोमोज रख दे एक छन्नी में। इसे हमें 10 मिनट तक स्टीम देनी है। लीजिए, गर्मा गर्म मोमोज हमारे तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल रहे हैं। बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं ये, और चटनी का बहुत ही प्यारा स्मेल आ रहा है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.